Okay, eczema means to boil. जो बॉइल्स थे इन डर्मेटाइटिस दे आर एक्जिमा. अब एक्जिमा इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एंड ऑल्सो अगर हम उसका हिस्टोलॉजिकल पैटर्न देखें तो टू लेयर्स हैव प्रॉब्लम. एक तो जो प्रोटीन है स्ट्रेटम कॉर्नियम में वो इम्पेयर हो जाते हैं ड्यू टू एनी सब्सटेंस, जो कि या तो वो एक्सोजनस होती है, अंदर से आपको एलर्जीज हो रही है, या एंडोजनस है, या एक्सोजनस एलर्जीज की वजह से जो स्टेटम कॉर्निया है वो आपका बैरियर इम्पेयर हो जाता है एंड इट अलाउज थिंग्स टू एंटर. फिर जो स्टेटम स्पाइनोजम था उसमें डेस्मोसोम्स थे, कनेक्शन थे, टाइट जंक्शंस, वो फॉल्टी होना स्टार्ट हो जाते हैं. वाटर एंटर भी हो रहा है और आपकी स्किन का जो वाटर है वो भी लूज आउट हो रहा है. स्टेटम कॉर्नियम जो है फॉल्टी होती है, देन स्टेटम स्पाइनोसम फॉल्टी हो जाती है. लुक, स्टेजेस ऑफ एक्टोपिक डर्मेटाइटिस इस तरह से होते हैं कि पहले स्टेटम कॉर्नियम है और टाइट जंक्शन है स्टेटम स्पाइनोसम में, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब या तो बाहर से कोई एलर्गेन माइक्रोब्स ये वाटर बैरियर को डिस्टर्ब करता है, कुड बी सोप्स डिटर्जेंट जो कि पीएच को इम्बैलेंस करे, जिसकी वजह से आपका सबसे आउटर लेयर जो है ना स्टेटम कॉर्नियम वो स्टार्ट होगी खराब होना. उसके बाद पूरा एलर्जी का कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा. टी टू हेल्पर सेल्स आ जाएंगे, इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, मैस सेल्स आ जाएंगे, फिर वेसिकल बन जाएगा, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बन जाएगा और इचिंग स्टार्ट हो जाएगी. और फिर जब क्रॉनिकली ये प्रसिस्ट करता रहेगा तो लाइक्रिफिकेशन हो जाएगी, जिसमें थिक लेदरी स्किन हो जाएगी और पिगमेंट डार्क हो जाएगा. ये नॉर्मल स्टेटम स्पाइनोसम है जिसमें टाइट जंक्शन है और कनेक्टेड है. जब वो एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में आता है तो ये सारे कम हो गए हैं, यानी एक सेल पे सपोज अगर फोर थे तो नाउ देयर आर वन और हार्डली टू लेफ्ट. क्या हो रहा है, इंक्रीज वाटर एवेपोरेशन हो रही है एंड लेस प्रोटेक्टिव बैरियर है. अंदर बाहर से जो चीजें हैं वो आ भी रही हैं और अंदर से जो वाटर और उसका कंटेंट है वो भी लॉस हो रहा है. तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है कि आप ऊपर कोई लुब्रिकेंट, मॉइस्चराइजर, इमोलियंट लगा दें. दूसरा क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, इस डिजीज का, ये जो एलर्जी का कैस्केड है उसको ब्लॉक करा देते हैं स्टेरॉइड्स दे के. यस, जो टाइट जंक्शन है, लॉस ऑफ डेस्मोसोम हो रहा है इस एलर्जी वाले कैस्केड की वजह से. अब इसका डायग्नोसिस जो है ना, हम सीरम आईजीई लेवल्स देख के चेक करते हैं. और दूसरा जो हिस्ट्री बताएगा पेशेंट, वो कहेगा एलर्जी तो हो रही है पूरी बॉडी में, खास साथ साथ उसको एलर्जिक राइनाइटिस, एजमा भी होगा, हे फीवर भी हो सकता है, कोई आप हिस्ट्री लोगे घर में कोई पेट वगैरह उसकी वजह से भी हो रहा होगा. जनरलाइज इचिंग है बॉडी पे, तो स्केबीज इसका डीडी बनेगा. अच्छा, अगर सीरम आईजीई लेवल्स एलिवेटेड है ना, कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. अब फ्लेग्रिन प्रोटीन जो है, वेरी गुड, टाइप वन सेंसिटिविटी रिएक्शन है. फ्लेग्रिन प्रोटीन जो है प्रोटीन है स्टेटम कॉर्निया का. अब फ्लेग्रिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्पेयर हो गया स्किन बैरियर, कुड बी जीन म्यूटेशन, कुड भी कोई ट्रिगर हो सकता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्जिमा. जो स्किन होगी वो ड्राई है, स्केली है, और एलर्गेंस जो है वो एंटर हो जाएंगे. बट द बुक सेज के इसमें हाईली एडिमा और एडिमा और बिकॉज वाटर इज कमिंग इनसाइड और ब्लड वेसल्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. वाई आर ब्लड वेसल Vessels increasing because this is allergy. और टी सेल, बिकॉज ऑफ जब एलर्गेंस एंटर होंगे तो पूरा टी सेल, टी लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे अपर डर्मिस में और वेजो डायलेशन हो जाएगी. अब देर आर क्लासिफिकेशन, कुड बी एंडोजनस, एक्टोपी, सिबोरिया, और एक्सोजनस को इरिटेंट है जो आपको टच कर रहा है, एलर्जी है, कुड बी ड्यू टू लाइट. एंड देन देर आर सम पैटर्न्स एक्जिमा के, एस्टियाटोटिक, डिस्कोइड, ग्रेविटेशनल, यू हैव टू मेमोराइज देन, एंड लाइकिंग सिंप्लेस एंड पॉम फॉलिक्स.
ये मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है। जो एस्टी या टॉटिक एक्जिमा है उसमें ड्राइनेस होगी, इस तरह से स्किन होगी। देन डिस्कॉइड एक्जिमा में क्या होगा, ऐसे सर्कल डिस्क लाइक कॉइन लाइक जो होंगे ये लीजन्स बने हुए नजर आएंगे। जो ग्रेविटेशनल एक्जिमा होता है उसको वेरिकोस एक्जिमा कहते हैं, वो साथ साथ वेरिकोस वेन्स जब होती है उसमें इचिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने वेरिकोस वेन्स को ट्रीट करना होता है। उसके बाद है लाइकेन सिंफिलिकस क्रॉनिकस एक्जिमा, इसमें क्या होता है स्किन लाइकेनिफिकेशन होती है, जब स्किन लेदर लाइक टेक्सचर आ जाता है। आई विल एक्सप्लेन कि लेदर लाइक टेक्सचर भी कैसे आता है उसका, क्रॉनिक इचिंग से होता है ये। उसके बाद एक है पॉम फ्लोइक्स, इसमें जो सोल्स है ना, पाम्स और सोल्स इन्वॉल्व होते हैं, हैंड्स एंड फीट आर इन्वॉल्व, हैंड्स एंड फीट आर इन्वॉल्व। ये हो गया इसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स। उसके बाद क्लिनिकल में क्या, एक्यूट में रेडनेस होती है, एडिमा हो जाता है उसका, पेप्यूल्स बन जाएंगे, वेसिकल्स, बुल्ला। अब वेसिकल्स हैड फ्लूइड इन देम, फिर साथ एक्सुडेट होगा, जब आप इच करोगे तो स्कार होगा। क्रॉनिक में क्या हो जाएगा, एडिमा और वेस्कुलेचर जो हो जाएगा लेस हो जाएगा, लाइकेनिफिकेशन हो जाएगी, दैट इज स्किन थिकनिंग, और वहां पे क्रॉनिक रबिंग स्क्रैचिंग से फिशर्स बन जाएंगे। जस्टरडे समबडी आस्क्ड मी फिशर और अल्सर में क्या फर्क होगा, फिशर में क्या होगा, जब आप नेल से स्क्रैच करोगे तो डर्मस एपिडर्मस में जो रिड सी बनेगी, थिन सी, नेल के स्क्रैचिंग से फिशर्स बने होंगे, ठीक है। स्लिट लाइट, दीज आर नॉट डीप अल्सर, दीज आर स्लिट लाइट अल्सर्स। उसके बाद डिसपिगमेंटेशन होगी। अब डिसपिगमेंटेशन क्यों होगी, ये देखो, ये डार्कर स्किन एरिया है, ये लाइटर स्किन एरिया है, ये डार्कर स्किन एरिया, ये डार्कर स्किन एरिया। अब इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ, मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हो जाएंगे, इंक्रीज मेलेनिन सिंथेसिस होगा, इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाएगी, हाइपर और हाइपो पिगमेंटेड पैचेस होंगे। जहां पे इच करोगे इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेट होंगे उस जगह पे डार्क हो जाएगा, बाकी साइट जो होंगी आपकी हाइपो पिगमेंटेड होंगी। राइट, लेट्स रिवाइज पैथोजेनेसिस अगेन ताकि इसका ट्रीटमेंट समझ आए। या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एंडोजेनस है, टोपी की वजह से हो रहा है, या एक्सोजेनस, कोई आपने सोप यूज किया, ठीक है, कोई डिटर्जेंट आपकी स्किन से लगा, तो इसको अगर अगर ये वाले फैक्टर्स हैं तो आप सिंपल मॉइस्चराइजर करो, डिफेक्टिव आपका बैरियर हो रहा है तो मॉइस्चराइजर लगाओ एंड दिस विल बी ओके। और अगर साइटोकाइन रिलीज जो इसके बाद होगा, साइटोकाइन रिलीज उसको ब्लॉक करना है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स देंगे। वो साइटोकाइन कैस्केड को ब्लॉक करेगा, और अगर ऊपर से प्रोटेक्टिव बैरियर करना है तो उसके लिए मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अगेन ट्रिगर है इन्फ्लेमेशन, स्क्रैच करोगे एज, तो अगर एलर्गेन को अवॉइड करना है तो आप उसके लिए बैरियर लगाओगे, मॉइस्चराइजर। इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करना है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है हमारे पास, कैल्सी न्यूरिन इनहिबिटर्स हैं। बंदे को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, इच स्टॉप करनी है तो उसके लिए एंटीहिस्टामिन देंगे, और साथ एजुकेट करके भेजेंगे कि नथिंग कुड बी डन, दीज आर एबीसी ऑफ मैनेजमेंट। अवॉइड करना है एलर्गेन, ठीक है, आपको आप उससे कहना है आप आइडेंटिफाई करें क्या चीज हो रही, कुड बी फूड, कुड बी ऑल्सो ट्रिगरिंग योर एक्जिमा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। फिर बैरियर रिपेयर करने ऊपर मॉइस्चराइजर इमोलियंट्स देने हैं उसको लिख के। थर्ड, कंट्रोल करनी इन्फ्लेमेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्सी यूरिन इनहिबिटर्स, इच डिक्रीज करने के लिए डी में एंटी हिस्टामिन्स देनी है उसको, टेबलेट्स लिख के, और साथ एजुकेशन दे के भेजनी है। अब जो एक्टोपिक एक्जिमा होता है वो यंग एज पे होता है, ये स्क्रैच मार्क्स है फ्रॉम कॉन्स्टेंट इचिंग, और इसको ऑल्सो लाइकेनिफिकेशन हुई हुई, ड्राई हुआ हुआ है। कैन यू सी हेयर कि स्किन कितनी ड्राई है, वाई डज स्किन गेट ड्राई इन एक्जिमा, बिकॉज जो आपकी फिफ्थ लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम वो डिफेक्टिव है। उसके बाद एक सिनेरियो में हिंट वो देते हैं कि आपकी फ्लेक्चुरल साइट्स पे, जहां पे फ्लेक्स करके खोलते हो उसको, जैसे वेपोरेशन भी हो रही है, फ्लेक्चुरल साइट है जैसे एंटी क्यूबाइटल फोसा एल्बोस पे, पोपलीटियल फोसा
बिहाइंड योर लेग्स, वहां पे इच रिपोर्ट करेंगे. सो मैनेजमेंट में टू आपके मेन स्टीम है, एक इमोलियंट देना है टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव फिल्म टू ट्रैप मॉइस्चर, और दूसरा स्टेरॉइड्स देने. एक्टोपिक एक्जिमा आता है उसमें पोलन, हाउस में डस्ट माइट आर द हॉलमार्क ऑफ योर एटोपी, और एक्सेसिव आईजीई हो रही होगी इंक्रीज. क्लिनिकल फीचर में इच के साथ आएगा एक्सट्रीमली इची सिचुएशन होगी, स्क्रैच मार्क्स नजर आ रहे होंगे, साथ में पूरी वाइड स्प्रेड बॉडी पे ड्राइनेस होगी. डीडी इसका ड्यू टू इच हो गया स्केबीज. अब इन्वेस्टिगेशन आप क्या ऑर्डर करोगे, जब सीरम आईजीई लेवल्स ऑर्डर करोगे और आईजीई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तो वो रेज्ड आएंगी. यू कैन ऑर्डर सेम, जब स्केबीज और एक्जिमा में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप पूछोगे कि कौन सी वाली साइड पे ज्यादा होता है, आप देखोगे कि ओवरऑल बॉडी में ड्राइनेस है कि नहीं. साथ में इट इज अ मस्ट दैट यू आस्क इन हिस्ट्री कि आपके घर पे कोई पेट है, कार्पेट है, राइट right? आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इचिंग रिपोर्ट हुई है कि नहीं. थर्ड, यू विल ऑर्डर दिस इन्वेस्टिगेशन आईजीई लेवल्स, स्केबीज में ये नहीं रेज होते. अब बेबीज में क्या होगा, यूजुअली उनका फेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है. इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में फ्लेक्चर साइट्स होती है, एंटीक्यूबाइटल फोसा, पोपलीटियल फोसा, एडल्ट में फेस ट्रंक सब इन्वॉल्व होता है. और जब आप इच करते हो तो स्टैफ ऑरियस, जो हमारे नॉर्मल स्किन का फ्लोरा होता है, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है एंड ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाती है. दिस इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्टोपिक एक्जिमा, इची स्केली स्किन है, हिस्ट्री ऑफ स्किन क्रीजेज इन्वॉल्व, स्किन क्रीजेज अगेन फ्लेक्चर साइड जहाँ पे क्रीज पड़ती है जब आप हाथ बेंड करते हो या लेग बेंड करते हो, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक साथ एक्टोपिक डिजीज होगी, एजमा, हे फीवर, ड्राई स्किन होगी, ड्राई स्किन वॉज नॉट प्रेजेंट इन स्केबीज, फ्लेक्चरल एक्जिमा होगा जहाँ पे फ्लेक्स करते हो आप फोरहेड पे, आउटर लिम्ब पे, एंड ऑनसेट इन द फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ लाइफ. नाउ हाउ विल बी ट्रीटेड, ट्रीट कैसे करना, इनिशियल स्टेप पहले आपने हिस्ट्री एलिसिट करनी है, एक्यूट डायग्नोसिस बनाना है, फिर उनको कहना है कि फाइंड करो कि ट्रिगर कौन सा है और इम्पैक्ट साइट कौन सी है, और उन सबको रिमूव करो, पेशेंट को एजुकेट करो और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो कि इच नहीं करना, यू हैव टू स्टॉप द पेशेंट फ्रॉम इचिंग. अब जनरल अप्रोच है कि आप इमोलियंस और टॉपिकल स्टेरॉइड से स्टार्ट करो, फिर आप आ जाओ टॉपिकल कैल्सी न्यूरिन इनहिबिटर्स पे. ये क्या करते हैं, इनहिबिट सप्रेस करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ताकि वो इन्फ्लेमेशन वाला एलर्जी वाला कैस्केड रुक जाए. साथ में सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन दे दो और बैंडेजेस देनी है, बैंडेजेस और वेट रैप्स. ये क्या होते हैं कि बच्चे को आप बाथ दो, ये बच्चों में करते हैं, बाथ दे के उसको निकालते हो, उस पर पहले कोई स्टेरॉइड क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाते हो, नहलाने के बाद उसको ड्राई करके उसके बाद फिर क्या करते हो, कपड़े को टब में डालो, थोड़ा सा रिंक आउट करो ताकि बिल्कुल ड्रिप ना करो, वो एक शर्ट पहना के ऊपर एक और लेयर पहनाओ ड्राई क्लोथ्स की, फिर 2-3 घंटे बाद उसको रिमूव कर दो. When kids have atopic dermatitis, which is a type of eczema, their skin is dry and itchy and needs moisture. Using wet wrap therapy can help keep. अच्छा देखो, अब ये एक चाइल्ड को आप देख रहे हो, उसने फॉरेन फ्लेक्चरल साइट्स देखी हैं, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, एक्टोपिक एक्जिमा, और साथ में यू कैन सी हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन. Skin moist, help medicines on the skin work better, and protect the skin from scratching. Wet wraps are often recommended after bath. Give your child a bath in warm, not hot, water. Use a gentle cleanser if needed. Lightly pat your child's skin dry without rubbing. Within 3 minutes of getting your child out of the bath,
Apply any recommended creams and moisturizing ointments to the skin. Again, look at flexure sites for where each cream and ointment should be used, in what order they should be put on, and how long to wait in between each one. Next, you'll put a warm, wet layer on your child. Soak a pair of form-fitting 100% cotton pajamas in clean, warm water. Wring them out so they are not dripping. Put the wet pajamas on your child. Then put dry pajamas or clothes on over the wet ones. You can use cotton socks and gloves for eczema of the feet or hands. Instead of wet pajamas, some families use a layer of wet medical gauze. ये होगी वेट रैप्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप ना फोटोथेरेपी कर सकते हो. किसी का रैशनल पता है कि फोटोथेरेपी क्यों यूज करनी है इचिंग के लिए? कोई आइडिया कि क्या रैशनल है? ऊपर वाली तो सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि हमने क्यों की. वेट रैप्स भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्किन ड्राई है, मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए कर रहे हैं. फोटोथेरेपी का क्या रैशनल है? फोटोथेरेपी का ये रैशनल है कि वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करेगा टी सेल का. टी सेल को काट दो, टी सेल काट दो, नेचुरल सेल, नेचुरल टी सेल भी इनहिबिट करवा दो, और जो ये लैंगरहैंस सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब इनको स्टॉप करा दो. इसलिए हम फोटोथेरेपी करा रहे हैं. हम जॉन्डिस में करते हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? एक्जिमा में हम इसलिए कर रहे हैं, हम टी सेल्स को अपोप्टोसिस इंड्यूस करवा रहे हैं और इनहिबिट कर रहे हैं नेचुरल किलर सेल फंक्शन को. उस जो पूरा कैस्केड चल रहा है हाइपरसेंसिटिविटी वाले रिएक्शन को, उसको हमने स्टॉप करवाना है. ये इसी तरह से करना है, आप इसी स्टेप में चलना है. इनिशियल स्टेप्स में आपने एक्यूट डायग्नोसिस बना लिया, ट्रिगर कर लिया, एजुकेशन एंड सपोर्ट की. जनरल ट्रीटमेंट में यू हैव टू स्टार्ट विद एमोलिएंट्स, टॉपिकल ग्लूकोकॉइड्स, साथ में सिडेटिंग एंटीहिस्टामिन्स और वेट बैंडेज बता दी. नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, फोटोथेरेपी पे आ गया. फोटोथेरेपी क्यों करानी थी? वी हैव टू जस्ट किल टी सेल्स जो कि सारा पैथवे स्टार्ट करें. उसके बाद अगर एक्यूट फ्लेयर आता है और बहुत सीवियर इचिंग हो रही है, तो आप उसको एडमिट कर लो पेशेंट को आईसीयू में, फोटोथेरेपी दो, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दो. सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में फिर हम आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे. दूसरे हम प्रिडनिसोलोन दे सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन कर दें. इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव ही नहीं होगा, तो ये दोबारा आपकी टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस सबको शटअप कॉल मिल जाएगी और ये नहीं करेंगे इच कॉज. अच्छा, अब सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स दे रहे हैं इसमें, और हम आइसोट्रेटिन नहीं देते इसमें, हम एसीट्रेटिन देते हैं, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्रोलिफरेटरी इफेक्ट होता है इसका. और अगर अगर सीवियर फ्लेयर के अलावा अगर सीवियर रेजिस्टेंट डिजीज है, आप सारी ट्रीटमेंट्स कर ली और फिर भी बहुत सीवियर इचिंग है चीजें, तब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से करेंगे, डिप्लीमुंबैब देंगे उनको. उसके बाद देयर इज अ डिजीज कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस. इसको अगर इजी करें सेबोरिक डर्मेटाइटिस को मेमोराइज करने के लिए, इट्स सिंपल डैंड्रफ. लेकिन डैंड्रफ सिर्फ सर पे होती है, ठीक है? सेबोरिक डर्मेटाइटिस पूरी बॉडी पे है, और व्हेन इट हैपेंस ऑन योर जो स्कैल्प वाली जगह पे जो अब हो रही होती है, तो हम उसको डैंड्रफ कह रहे होते हैं. डैंड्रफ पूरी बॉडी पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है. इट्स अ क्रॉनिक इडियोपैथिक, इसकी कॉज नहीं पता हमें. इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर्स है, एनी एज ग्रुप हो सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी डैंड्रफ होती है, इट्स एन ऑयली स्किन, इट्स नॉट ड्राई स्किन. लेकिन वो जैसे हमारे वो प्लैक्स बने होते हैं, इट फील्स लाइक एज ए ड्राई स्किन हो रही है. और जो ट्रिगर करते हैं उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, फटीग, हार्मोनल फैक्टर्स, ये जैसे करें स्टेप अप से. अब ये जब स्कैल्प पे होती है डैंड्रफ कहते हैं, ये आई लैशेस पे होती है. जहां जहां बाल होंगे वहां वहां बियाइंड हेयर होती है, हेयर लाइन जहां पे खत्म हो रही होती है. ये देखो, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ. ये इसकी मुस्टैश और बियर्ड के हेयर, इसमें ये फ्लैक्स जो बने हुए हैं आर्मपिट्स में, नोज, आईब्रोज में, जिसमें हम
लिड हाइजीन को फॉलो करते थे, ये सेबोरिक डर्माटाइटिस थी। उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके ऊपर हो जाती है जब आप स्क्रैच करते हो। ऑल्सो इट हैपन्स अंडर ब्रेस्ट इन ग्रोइन एरिया वेयर देयर आर हेयर। अच्छा, दिस डिजीज हैज नो क्योर। आप उसको टाइम बीइंग ट्रीट करते हो। टाइम बीइंग ट्रीट कैसे करते हो, आप डैंड्रफ शैम्पू देते हो उसको, जो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। उनमें क्या होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, कीटोकोनाजोल होते हैं, हेड एंड शोल्डर एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर्स, सनसिल, और स्टेरॉइड्स देते हो बिकॉज इट्स एन इंफ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर। स्टेरॉइड्स देते हो, टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंड टॉपिकल कीटोकोनाजोल। ये अलग से शैम्पूज में मिलते हैं, ये ओवर द काउंटर डेंड्रफ शैम्पू में भी दोनों ये मिक्स किए होते हैं। अब माइल्ड केसेस जो होते हैं सिर्फ डेंड्रफ होती है, सिर्फ स्कैल्प पे हो रहा होता है, और स्वेयर केसेस में येलो ऑयली फ्लैक्स होते हैं, लैशेस पे स्टार्ट हो जाता है, बिहाइंड एयर ऑन चेस्ट स्किन फोल्ड में, ठीक है, साथ में रेडनेस स्टार्ट हो जाती है एंड इट्स इची। अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे तो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई यू नीड टू ट्रीट इट, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है इफ यू कीप इट अनट्रीटेड। So now we have three DDs of generalization: seborrhea, scabies, eczema. Now we move towards lichen planus. The lichen planus hota hai na, it the word comes from flat premose. इस तरह से स्किन की कंडीशन होती है। अच्छा, अब लाइकन प्लेनस में लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, और हाइपरकेराटोसिस एंड ग्रैनुलोसिस स्टार्ट हो जाते हैं ग्रैनुलर लेयर में। इस लेयर में ग्रैनुलोसिस स्टार्ट हो जाता है और साथ टूथ पैटर्न नजर आता है, दिस इज रेटी रिचेस, इस तरह से ये नजर आता है जब आप हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखते हो। इंक्रीज ग्रैनुलोसिस का मीनिंग होता है जो ग्रैनुलोसम लेयर होती है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। दिस विल कम इन एमसीक्यूज। एक्जिमा में स्टेटम कॉर्नियम आपकी डिफेक्टिव थी, लाइकन प्लेनस में आपकी स्टेटम ग्रैनुलोसम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। और इसको 6 P से करते हैं, प्यूराइटिस, जनरलाइज इचिंग होती है बॉडी में, प्लेन होते हैं पॉलीगोनल और पर्पल कलर के होते हैं ये, प्लैक्स होते हैं, प्लैक्स और पेप्यूल्स जो थे ना रेज्ड लीजन थे। अब प्लैक जो था ग्रेटर देन 1 cm था, पेप्यूल था लेस देन 1 cm, इस तरह से हैं ये, प्यूराइटिक, पर्पल, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल लाइक इनकी ये वाली शेप्स हैं। अब एज ग्रुप क्या होगा, 30 to 60, ऑटो इम्यून है। अच्छा, ऑटो इम्यून है, इसमें ग्रेव्स डिजीज हो सकती है अंडरलाइन जब आप हिस्ट्री लोगे। हेपेटाइटिस सी को रूल आउट करना इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस सी वाले लोगों में ये होता है। और दूसरा, स्किन स्केबीज में पूरी आपकी बॉडी में इचिंग हो रही थी स्किन में, इसमें क्या होता है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है। सिंस ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी को आपने शटअप कॉल देनी है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। ये देखो, ये पर्पल कलर के हैं, ठीक है, पेप्यूल्स ऑल्सो पॉलीगोनल इची हैं ये, ऑन रिस्ट, लेग्स, आर्म्स। जो म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम विकहैम स्ट्राया कहते हैं। ये देखो, वाइट लाइंस होती हैं म्यूकोजा में, विकहैम स्ट्राया कहते हैं इसको। इसे प्यूराइटिक रैश, म्यूकोजा में, हेयर में, नेल्स ऑल्सो इन्वॉल्व। और दूसरी ऑटो इम्यून बेसिस होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, सी, यू हैव टू रिमेंबर सी फॉर एमसीक्यूज, मायस्थीनिया ग्रेविस भी हो सकती है, नो नॉट बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। विटामिन ए तो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से तो ट्रीट हो जाए फॉरन। अच्छा, स्किन बायोप्सी पे हमें हाइपरकेराटोसिस नजर आएगा,
ऑल्सो टी सेल लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट कर रहे होंगे डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे और सॉ टूथ अपेयरेंस आएगी. 30 to 60 ईयर्स होगी, बोथ सेक्सेस आर इक्वली इन्वॉल्व. विकहैम स्ट्राया जब आप मुंह खुलवाओगे तो नजर आएगा, उसमें क्या होगा, व्हाइट लेसी नेटवर्क नजर आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में. दिस इज विकहैम स्ट्राया, म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट में. उसके बाद एक और इसमें होता है फिनोमिना, कोबनर फिनोमिना. अब कोबनर फिनोमिना में क्या होता है, जहां जहां पे आप इच करते वक्त हाथ लगाओगे वहां पे न्यू लीजन्स डेवलप हो जाएंगे. लुक, ये देखो, सपोज आई स्क्रैच माई स्किन एंड लीजन स्टार्ट डेवलपिंग. ये कोबनर फिनोमिना होता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू लाइकन प्लेनस, ये और में भी होता है. ठीक है, जिसे आप उसको इरिटेट करते हुए लीनियर एक्सपोजर करते हो वहां पे रैश डेवलप हो जाता है. हम और कौन कौन सी डिजीज में होते हैं, कल हम करेंगे सोरायसिस में होते हैं, कार्पोसी सारकोमा में, वार्ट्स में, लाइकन प्लेनस में और टॉक्सी एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में. जब भी आप इच करने के लिए स्क्रैच करते हो वहां पे नए लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, लाइकन प्लेनस में होते हैं. दे विल आस्क यू डीडीज के कोबनर फिनोमिना और किन डिजीजेस में होता है. इन्वेस्टिगेशन में स्किन बायोप्सी विल बी परफॉर्म इफ डायग्नोस्टिक, और स्किन बायोप्सी पे हमें ये चीजें मिलेंगी, लिम्फोसाइट मिलेंगे डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, हाइपरकेराटोसिस हाइपरग्रैनुलोसिस मिलेगा ऑन ग्रैनुलर लेयर की थिकनिंग को कहते हैं, और सॉ टूथ अपीयरेंस मिलेगी. दूसरा डीडी में सोरायसिस, सेकेंडरी साइफिलिस, हेपेटाइटिस सी को जरूर स्क्रीन करना है आपने. कंडीशन सेल्फ लिमिटेड है, पोटेंट लोकल ग्लूकोकॉइड्स टॉपिकल उनको कह दो लगा लें, इट्स सेल्फ लिमिटेड. अगर एक्सटेंसिव डिजीज है तो फिर फोटोथेरेपी के लिए कंसिडर करना है पेशेंट को. अच्छा, 34 ये ओल्ड फीमेल, नोन केस ऑफ ब्रोंकल एस्मा, प्रेजेंट्स विद सीजनल वेरिएशन ऑफ हर स्किन डिजीज, हर स्किन गोज रियली इची ड्राई ओवर द फेस. अच्छा, इची है वन प्रेजेंटेशन, दूसरी है ड्राई ओवर द फेस एंड ट्रंक इन द स्प्रिंग सीजन ऑन एग्जामिनेशन. अब उसने कहा है कि रिमिटिंग और रिलैप्सिंग है, रिमिटिंग और रिलैप्सिंग है, सिर्फ इस टाइम पे फ्लेयर आ रहा है उसको. ऑन एग्जामिनेशन वाइड स्प्रेड ड्राइनेस एंड स्किन थिकनिंग. स्किन थिकनिंग के लिए कोई मुझे वर्ड बताएगा, स्किन थिकनिंग को क्या कहते हैं, लाइकेनिफिकेशन कहते हैं उसको. विद प्रोमिनेंट स्किन मार्किंग्स नोटिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, शाबाश, एक्टोपिक एक्जिमा. नेम फोर पैटर्न्स और टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग प्राइमरी डिजीज. व्हाट आर द फोर पैटर्न्स, आई कैन रिमेम्बर वन पैटर्न जो कि ग्रेविटेशनल या वेरिकोस था, एक था कॉइन लाइक डिस्कॉइड पैटर्न. ठीक है, व्हाट अदर्स वर देयर, एक था एक्सट्रीमली ड्राई एस्टियाटोटिक, यस, एक डिस्कॉइड एस्टियाटोटिक ग्रेविटेशनल. व्हाट एल्स वाज देयर, एस्टियाटोटिक डिस्कॉइड, वेरिकोस को ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं. फोर्थ था लाइकन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस, जिसमें क्रॉनिक इचिंग से स्किन जो हो गई है थिक ही हो जाएगी. और पॉम्फ्लॉइक्स, जो कि आपके हैंड और फीट की सोल्स पे होता है, पाम्स एंड सोल्स पे होता है. डिस्कोइड, ग्रेविटेशनल, लाइकन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस एंड एस्टिया. 25 year old female presents with intense itching of her both hands dorsal aspects for 3 months. She has no comorbidity. On examination there are excoriation marks, itching ke marks hai. Few weeping lesions or erythematous bases, a strong suspicion of eczema. They have already told you ke they suspect eczema. How will you treat and preventive measures will you advise? प्रिवेंटिव मईस क्या एडवाइस करेंगे, इसका डायग्नोसिस लिखना है एक्टोपिक एक्जिमा और जस्ट एक्जिमा.
yes, identify the stimulant. Okay, could be food allergy, could be carpet in your house, could be animal dander, could be seasonal. ठीक है, उसके बाद अपनी स्किन को yes barrier moisturizer moisturize रखना है अपनी स्किन को. Dust allergy, very good. Dust identify करने, could be dust allergy. फिर how will you treat the patient? कौन से दो हमारे पास थे? एक हमारे पास था emollient देना है, दूसरा steroid देना है. फिर wet bandages का बताना है उसे. You have to write answer like this. Initial step, triggers remove कर दे, treatable causes, infection, allergies, educate करें patient and family को, psychological support दे. उसके बाद general treatment में emollients, topical glucocorticoids, topical calcineurin inhibitors, sedating antihistamine, itch नहीं करनी उनको, कहना itch करने से क्या होगा, bacterial infection होगी और फिर हमें antibiotics भी topical लगवानी पड़ेंगी. Wet bandages उनको method बता दे. अगर next itching बहुत severe हो जाती है तो आप उनको एडमिट करके फोटोथेरेपी भी हो सकती है या फिर आउटडोर पेशेंट पे भी फोटोथेरेपी हो सकती है. अच्छा, somebody was asking फोटोथेरेपी क्या करती है. फोटोथेरेपी ये करती है, टारगेट करती है, एपोप्टोसिस कराती है टी सेल्स का, रेगुलेटरी टी सेल्स का, नेचुरल कलर सेल फंक्शन इनहिबिट करा देती है, इनहिबिट करवाती है लैंगरहैंस सेल्स जो कि हिस्टियोसाइट्स होते हैं, और मैक्रोफेजेस की डेथ कराती है. ये सब कुछ कराती है. Okay, let's see. A 30-year-old worker in flour mill presents to with complaint of hyperpigmented itchy papular lesion in both popliteal fossa. Can somebody tell me eczema mein hyperpigmentation kyun ho rahi thi? Melanocyte jo hote the na inflammation ki wajah se उनके ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे थे, तो वो जहाँ पे आप इच करते हो इरिटेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से वो एरिया डार्क हो जाता है और बाकी एरिया लाइट होता है. यस, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग. तो ये एक्टोपिक एक्जिमा, उसको ब्रोंकल एस्मा भी है. व्हाट एडवाइस विल यू गिव हिम रिगार्डिंग हिज प्रोफेशन, ये बताओ. बी, what advice would you give him? He has to quit the job and find some other job jahan pe uska exposure now allergen ke sath. A 6-year-old boy presented with recurrent severely itchy lichen flight plaques, they are written in both anticubital. Ye bahut important information hai. For last 3 years, his mother is asthmatic. Family history आ गई atopy की. And his skin is very dry. Very dry skin. Very dry skin is caused by which skin layer? What is the most likely diagnosis? How will you manage the problem? अब ये child है, इसमें आपने wet bandages और ये सारा explain करना है mother को. Counseling करनी है patient की. All you will draw the same flow chart. Eczema में वो flow chart आप लोगों ने as it is draw करना है. A 9-year-old girl with itchy erythematous scaly rashes in front of elbow. In front of elbow का क्या मतलब है? Anticubital fossa. Yes, diagnosis fourth का eczema था. अच्छा, it is preceded by exudative and vesicular lesion. There are some excoriation, lichenification. उसके बाद family history है bronchial asthma की. And look, history में उन्होंने pet cat भी बता दी. What do you think this girl is suffering from? What do you think this girl is suffering from? What blood test will support your diagnosis? Yes. What blood test? कौन से कराने हैं इसके?
शाबाश सीरम आईजीई सीरम आईजीई एंटीबॉडीज एंड यू विल राइट देयर लेवल्स विल बी रेज्ड व्हाट इज द रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिजीज टू हर सीट मेट्स इन द क्लासरूम ये बताओ सी का क्या आंसर है क्लासमेट्स का क्या होगा यस इट्स नॉट कॉन्टेजियस रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन इज नल निल बिकॉज इट्स नॉट infection because it's hypersensitivity reaction hai acha let me rephrase the question agar this child had scabies what was the risk of communication of that disease to her seatmate in the classroom kitna risk tha it is contagious usko bhi ho jata to उसको अलग बिठाना पड़ता यस इट वॉज 100% अ 13 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड प्रुरिटिस सिंस अर्ली चाइल्डहुड एग्जामिनेशन रिवील्ड जनरलाइज्ड सिरोसिस सिरोसिस मींस ड्राई है उसकी स्किन एक्सकोरिएटेड पेप्यूल्स फ्लेक्चर लाइकेनिफिकेशन लुक उसने लिख दिया कि फ्लेक्चर्स पे उसको इचिंग है और वहीं पे लाइकेनिफिकेशन स्किन थिक होगी हर मदर एंड ओल्डर सिस्टर ब्रोंकल एस्मा है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज डिस्क्राइब्ड अबव